हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं भीम, और अगर आपने सैमसंग M40 बाय कर लिया है और आप सोच रहे हो इस डिवाइस के अंदर इसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करें, इसके सारे फीचर्स और कुछ ट्रिक्स जो डेली लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली है उसका पता कैसे करें, तो आप सही वीडियो पर पहुँच चुके हो। सो सीधा चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो लेट्स चेक इट आउट। तो हम स्टार्ट करेंगे होम स्क्रीन सेटिंग से। जो आपका मेन लैंडिंग स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे, वॉलपेपर्स, थीम्स, विजिट्स और होम स्क्रीन सेटिंग्स। होम स्क्रीन सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो होम स्क्रीन लेआउट कैसा हो। यहाँ पर आप या तो होम एंड ऐप्स कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर मिल जाएगा, या फिर आप iPhone स्टाइल या Xiaomi स्टाइल सिर्फ होम स्क्रीन ओनली कर सकते हो, जिसमें आपको ऐप ड्रॉअर नहीं देखने को मिलेगा और सारी ऐप्स होम स्क्रीन पर आ जाएगी। मेरे को होम एंड ऐप स्क्रीन पसंद है तो मैंने वही रखा है। इसके बाद होम स्क्रीन की ग्रिड आप एडजस्ट कर सकते हो, 4x5 हो, 4x6 हो, या फिर कुछ भी अलग अलग जो ग्रिड्स होती है वो हो, या फिर ऐप्स की स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स एडजस्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। जो ऐप्स बटन है, ये जो है एक आपकी होम स्क्रीन पर बटन शो करेगा जिसकी मदद से आप ऐप ड्रॉअर को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बटन है, इसको क्लिक करने के बाद आपको जो है ऐप ड्रॉअर देखने को मिल जाएगा। बट मुझे पर्सनली ये ऐप ड्रॉअर पसंद नहीं है, मुझे गेस्चर ही पसंद है जो स्वाइप अप या स्वाइप डाउन का है, तो मैं उसी से ऐप ड्रॉअर को एक्सेस करना पसंद करता हूँ, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अगला ऑप्शन है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, जिसकी मदद से आप होम स्क्रीन पर सारी ऐप्स को लॉक कर सकते हो, जिसकी मदद से अगर आप किसी को फ़ोन देते हो या गलती से टच वगैरह होने पे कई बार ऐप्स हिल जाती है, वो नहीं होगा, जो ऐप है जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। इसके बाद मिल जाता है आपको ऑप्शन रोटेट टू लैंडस्केप मोड का, जिसमें आप इसे ऑन कर दोगे तो जो भी आप लाइक होम स्क्रीन पे हो वो भी लैंडस्केप मोड में रोटेट हो जाएगा, जो कि आपको यूज़ में आ सकता है अगर आप फ़ोन को ज़्यादातर लैंडस्केप मोड में यूज़ करना पसंद करते हो। हाइड ऐप्स का हमें ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर हम ऐप्स हाइड कर सकते हैं, और अनहाइड करने के लिए हमें इसी होम स्क्रीन सेटिंग्स में आके यहाँ से अनहाइड कर देना है उस ऐप को। और साथ ही साथ हमें लॉक स्क्रीन लेआउट, ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, और क्विक ओपन नोटिफिकेशन पैनल, ये फीचर लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑफ रहता है। ये ऑफ रहने के बाद आपकी स्क्रीन ऊपर और नीचे दोनों साइड से केवल ऐप ड्रॉअर ओपन होगा, बट इसको ओपन करने के बाद जब आप ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो आपके क्विक नोटिफिकेशन पैनल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि मेरे को डिफ़ॉल्ट पसंद है, क्योंकि मैं इससे पहले भी सारे डिवाइसेस में यही पसंद करता हूँ कि लाइक जब नीचे स्वाइप करूँ तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाए और जब नीचे से ऊपर स्वाइप करूँ तो ऐप ड्रॉअर आ जाए। तो ये थी हमारी होम स्क्रीन सेटिंग्स, जिन्हें आप कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग फ़ोन की होम स्क्रीन को अच्छा बना सकते हो। तो चलो अब एक बार इसकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स देख लेते हैं, नोटिफिकेशन पैनल देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है, इसको जो है हम लेफ्ट साइड पर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो NFC सपोर्ट मिल जाता है। जी हाँ, हमें सैमसंग गैलेक्सी M40 में NFC का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे राइट साइड पर डॉल्बी एटमोस है, और हमें इस फ़ोन के अंदर डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलता है। बट एक बात ध्यान रखिए, ये डॉल्बी एटमोस केवल ईयरफोन्स या हेडसेट वगैरह में यूज़ होता है। मतलब आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो या फिर इसके USB टाइप सी वाले ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो, उसी में आपको डॉल्बी एटमोस वाला अच्छा और बेहतर साउंड देखने को मिलेगा। इसके नॉर्मल स्पीकर्स में आपको डॉल्बी एटमोस का साउंड देखने को नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन है इसका नाइट मोड। नाइट मोड एक्चुअली इसका डार्क मोड है, इसे आप ऑन कर दोगे तो आपका पूरा फ़ोन डार्क मोड में चला जाएगा। इंटरफेस से लेके मैसेजिंग ऐप, कॉलिंग ऐप, सारी ऐप्स आपकी डार्क मोड में चली जाएगी। और ये बात हल्की सी थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि ये डिस्प्ले एमोलेड नहीं है तो बैटरी उतनी खास ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बट हल्का बहुत चेंज जरूर आएगा अगर आप इस नाइट मोड को यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में। अगला ऑप्शन है नेविगेशन बार का। नेविगेशन बार की सेटिंग्स में जाके हम देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे तीन आइकन है, रिसेंट, होम और बैक का। इनकी जगह हम गेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक हिंट्स भी लगा सकते हैं गेस्चर्स के। इनको आप स्वाइप रोटेट भी कर सकते हो, लाइक रिसेंट वाला उधर आ जाए और ये बैक वाला इधर आ जाए, इनको स्वाइप करोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। मुझे पर्सनली इस स्मार्टफोन में गेस्चर्स ये उतने खास पसंद नहीं आए, तो मैं होम स्क्रीन पर जो ये होम स्क्रीन बटन्स है इन्हीं को यूज़ करता हूँ। नोटिफिकेशन पैनल में ही आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, बटन ऑर्डर, जिसके अंदर आप बटन्स का ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारा बटन ग्रिड का, जिसके अंदर आप ग्रिड एडजस्ट कर सकते हो 3x3, 4x3 या 5x3 की। थर्ड ऑप्शन आ जाता है स्टेटस बार का। स्टेटस बार की सेटिंग्स में जाके आप ऑन कर सकते हो कि आपकी बैटरी परसेंटेज
इधर नोटिफिकेशन स्टेटस बार में शो हो या ना हो, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन आइकन्स है वो कितने शो हो, लाइक 3 रिसेंट नोटिफिकेशन दिखाए या सारे नोटिफिकेशन दिखाए, या इसे ऑफ कर दोगे तो कुछ भी ना दिखाए। तो बैटरी परसेंटेज मैंने ऑन कर दी है क्योंकि वो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ मैं मेरे नोटिफिकेशन दिखे मुझे। साथ ही इसका फोर्थ ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस का, उसे इग्नोर कीजिए, वो कुछ खास है नहीं। इसके अंदर अगर आप होम स्क्रीन पर देखोगे और कोई भी फोल्डर ओपन करोगे तो आपको राइट साइड पर यहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप कोई भी कलर लगा सकते हो। और लाइक येलो कलर लगा दिया, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर येलो कलर आ गया है, बट मैं वाइट रखना पसंद करता हूँ तो मैं वाइट रख रहा हूँ। और जनरली ये यूज़फुल रह सकता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल पेपर्स यूज़ कर सकते हो, वॉल पेपर्स के कलर्स के अकॉर्डिंग आप इस फोल्डर का कलर सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर है इसका असिस्टेंट मेन्यू। आप फ़ोन के सेटिंग्स में जाओगे और सर्च करोगे असिस्टेंट मेन्यू, तो आपका असिस्टेंट मेन्यू की जो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, इस पर टैप कीजिए ओपन हो जाएगा और असिस्टेंट मेन्यू को ओपन कर दीजिए। इसके बाद इसके अंदर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे असिस्टेंट मेन्यू। पहले तो मैं बता दूं, जैसे आईफोन्स में होता है, अगर आपने किसी का आईफोन देखा होगा, एक छोटा सा डॉट होता है जिसके अंदर एक कुछ शॉर्टकट्स रखे होते हैं जिनको यूज़ करके आप फ़ोन की जो यूज़ है उसको बेहतर कर सकते हो। तो हम इस पर टैप करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो हम यहीं से रिसेंट पैनल सोप ओपन कर सकते हैं, होम ओपन कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत सारे और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हो असिस्टेंट मेन्यू ऑप्शंस देखेंगे, आप यहाँ पर असिस्टेंट मेन्यू ऑप्शंस ऐड कर सकते हो या यहाँ से हटा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे असिस्टेंट प्लस का, जो कि एक जो ऐप्स है इनके अंदर असिस्टेंट ओपन हो या ना हो उस परमिशन को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट मेन्यू की ट्रांसपेरेंसी और साइज़ को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो बहुत आसानी से। फ़ोन की जो है असिस्टेंट पैनल को काफ़ी बेहतर कर सकते हो, और आप इसे थोड़ा ट्वीक करोगे ना अपने अकॉर्डिंग, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमारा जो रिसेंट पैनल है इसके अंदर आप कोई भी ऐप के ऊपर जो ऐप आइकन है उसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर पहला ऑप्शन मिलता है ऐप इन्फो का, जिसके अंदर आप ऐप की इन्फो चेक कर सकते हो। सेकंड मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन व्यू, जो कि एक एंड्रॉयड 8 के बाद से सारे स्मार्टफोन में फीचर रहा ही है, आप दो ऐप्स को अपनी होम स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन इन पॉपअप विंडो, जो कि एक केवल सैमसंग एक्सक्लूसिव फीचर है, जो कि आपको केवल सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप जो कुछ मैसेजिंग ऐप्स होती है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेजिंग ऐप होगी, इनको एक छोटी विंडो में ओपन कर सकते हो और बैकग्राउंड में बाकी सारी ऐप्स को प्ले कर सकते हो। इसकी मदद से आपकी जो मैसेजिंग वगैरह बहुत आसान हो जाती है, और इसको यूज़ करना काफ़ी लाइक विंडोज़ वाला मामला हो जाता है, जिसमें हम छोटी स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पर हमेशा ऑन रख सकते हैं और बाकी अपने मीडिया कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज एक्सपेक्ट रेशो, जिसकी मदद से आप इसे किसी भी ऐप को या तो फुल स्क्रीन में या फिर जो नॉर्मल हमारा स्क्रीन साइज होता है उसमें यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है इसका लॉक दिस ऐप, जिसकी मदद से ये ऐप लॉक हो जाएगी और आप क्लोज ऑल पर क्लिक करोगे या ऐप को रिसेंट पैनल से हटाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हटेगी। इसको आप उन ऐप्स के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि आप डेली रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हो और आप नहीं चाहते कि वो बैकग्राउंड से रिमूव हो उसका डाटा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फोन सेटिंग्स। फोन सेटिंग्स में जाएंगे, राइट साइड 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर हमें मिल जाएगा ब्लॉक नंबर, जिसके अंदर आप कोई भी नंबर डाल के उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें रिकॉर्ड कॉल्स का, जिसके अंदर आप ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स भी स्टार्ट कर सकते हो और जो रिकॉर्डेड कॉल्स है वो यहीं से एक्सेस कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, लाइक इनबिल्ड हमें ऑटो कॉल रिकॉर्डर मिल जाता है सैमसंग के डिवाइस में, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, इनके अंदर आप ये सारे ऑप्शन हैं जो देख सकते हो, रीड कॉलर नेम जो है तेज़ की पढ़ना है या नहीं, वॉल्यूम बटन से आंसर करना है या नहीं, या फिर डायरेक्टली आंसर कर दो आप 2-3 सेकंड के बाद डायरेक्टली कॉल आंसर हो जाए, या फिर पावर की प्रेस कीजिए कॉल को एंड करने के लिए। शो कॉल्स इन पॉपअप, लाइक इंस्टेड ऑफ फुल स्क्रीन जो दूसरी ऐप्स है उनको फुल स्क्रीन में आने की जगह एक छोटी विंडो में आ जाए। नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे हमारा जो गेम लॉन्चर है, गेम लॉन्चर स्पेशली गेम्स के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने स्मार्टफोन के गेम्स को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सके। सेकंड ऑप्शन है जो गेम सेटिंग्स है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा गेम परफॉर्मेंस पर फोकस करे और कौन सा गेम हमारी बैकग्राउंड ऐप्स पर फोकस करे। तो यहाँ पर अगर हम किसी गेम पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पर इसे लो रेजोल्यूशन पे सेट कर सकते हैं ताकि गेम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सके, और साथ ही साथ हम ऊपर से फोकस ऑन परफॉर्मेंस या बैलेंस्ड या फोकस ऑन पावर सेविंग पे करके अपने जो डेली यूज़ है उसके अकॉर्डिंग इस फ़ोन को एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ FPS फ्रेम्स पर सेकंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक 30 फ्रेम्स पर सेकंड हो या फिर डायरेक्टली 60 फ्रेम्स पर सेकंड हो, जो कि ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा बट साथ ही साथ आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा।
अब देख लेते हैं हम गैलेक्सी M40 का कीबोर्ड। इसके अगर हम कीबोर्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पर राइट साइड पर 3 डॉट्स को क्लिक करके मोड्स में जाके हम फ्लोटिंग कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आसानी से हम इस कीबोर्ड को एक फ्लोटिंग कीबोर्ड बना सकते हैं। मींस के वैसा कीबोर्ड जैसा कि जो पॉप स्क्रीन ऐप्स थी वैसा हमें कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। और ये फीचर लाइक बहुत कम स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है आज की डेट में, लाइक पॉपअप विंडो वाला और फ्लोटिंग कीबोर्ड वाला। तो ये फीचर आपको सैमसंग एक्सक्लूसिव मिलेंगे और आप इनको अपने सैमसंग के डिवाइसेज में ज़रूर यूज़ कीजिए और इसका ज़रूर मज़ा उठाइए। एक छोटी सी बात और, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें जो ब्राइटनेस ऑप्शन है वो विजिबल है, आप इसे डॉट पर क्लिक कीजिए और अडेप्टिव ब्राइटनेस के साथ साथ जो शो कंट्रोल ऑन टॉप है उसको ऑफ कर देंगे ना, तो उसके बाद जो आपका जो बैटरी ब्राइटनेस वाला पैनल है वो वहाँ पर नहीं आएगा। तो मेरे को ब्राइटनेस वाला पैनल अपने कंट्रोल में रखना पसंद है तो मैं इसे ऑन करके रखता हूँ ताकि मैं कहीं भी अपनी लाइटिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकूँ। अब जरा इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह भी देख लेते हैं। फ़ोन की अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे और डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेटस बार के अंदर अवेलेबल है। वो एक कॉमन बात है और नाइट मोड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन, जिसके अंदर हम पर ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि वो फुल स्क्रीन में हो या फिर जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा नॉच है लाइक जो पंच होल है ना उसको कट करते हुए आए। साथ ही साथ हम सारी ऐप्स को ऑटो पे भी रख सकते हैं, जिसकी मदद से फ़ोन खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये ऐप फुल स्क्रीन में चलनी चाहिए या फिर थोड़ा कंटेंट काटते हुए आपको ऊपर की तरफ ब्लैक बार्स देगा। जो नेक्स्ट है टच सेंसिटिविटी, अगर आप अपने फ़ोन पर स्क्रीन गार्ड अप्लाई करते हो तो आप इसको ऑन कर दीजिए ताकि ये स्क्रीन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि टेम्पर्ड लगाने के बाद या स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर हल्की सी एक थिकनेस बढ़ जाती है जिसकी वजह से टच रिस्पॉन्स कम हो जाता है, तो ये सेंसिटिविटी बढ़ा के उस टच रिस्पॉन्स को बैलेंस कर देगा। जो हम इसके और एडवांस फीचर्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है रिड्यूस एनिमेशंस का। लाइक ये फ़ोन में आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ एनिमेशंस आती है जब आप होम स्क्रीन पर जाते हो, बट इसको ऑफ करने के बाद कोई एनिमेशन नहीं आएगी और डायरेक्टली आपको फ़ोन और फास्ट देखने को मिलेगा नॉर्मल यूज़ से। अगला हम ऑप्शन देखेंगे मोशन एंड गेस्चर्स का। तो जैसे कि आप देखते हो ये सारे ऑप्शन हैं, लिफ्ट टू वेक का ऑप्शन है, स्मार्ट स्टे का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अगर अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे अपने फ्रंट कैमरे से, फ्रंट कैमरा आपका आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी बेशक आपका जो स्क्रीन ऑफ का टाइम है कम हो। स्मार्ट अलर्ट है जिसकी मदद से आप कभी भी अपने फ़ोन को उठाओगे तो सिर्फ कुछ वाइब्रेशंस करके ही आपको बता देगा कि फ़ोन उठाते ही कि आपको नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में आई है या नहीं आई है। इजी म्यूट का ऑप्शन है, आप फ़ोन को फ्लिप कर दोगे तो कोई भी कॉल वगैरह आ रही होगी तो वो म्यूट हो जाएगी। डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन है जिसकी मदद से फ़ोन को आप डायरेक्टली कान के पास ले जाओगे तो वो कॉल अटेंड हो जाएगी। 100 मोड है जिसकी मदद से आप गेस्चर कंट्रोल या फिर 3 टैप होम स्क्रीन करके गेस्चर्स 100 मोड पर जा सकते हो, जो कि काफ़ी यूज़फुल है अगर आप एक हाथ से अपने फ़ोन को यूज़ करना पसंद करते हो और गेस्चर से कंट्रोल कर सकते हो या फिर 3 बार होम बटन पे टैप करके भी कंट्रोल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट जेस्चर है जिसकी मदद से आप फिंगरप्रिंट पे स्वाइप करके नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हो, और ये पर्सनली मैं ऑन करके रखता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बाद हम और एडवांस सेटिंग्स देखेंगे तो इसके अंदर डुअल मैसेंजर मिल जाता है, जिसके अंदर ऐप्स को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, फेसबुक स्नैपचैट अगर आप डुअल सिम स्मार्टफोन यूज़ करते हो और आपके 2 व्हाट्सएप है तो उन दोनों व्हाट्सएप को आप इसमें यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट भी सेपरेट रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैनिक मोड का, जिसको आप ऑन करने के बाद इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो, जो कि आपके कोई भी इमरजेंसी में पावर बटन को 3 बार दबाने पे कॉल कर देगा आपके जो आपने नंबर सेट किया है पैनिक वाले टाइम पे। और साथ ही साथ अटैच पिक्चर्स का ऑप्शन ऑन करने के बाद जैसे ही आप पावर बटन पे 3 बार क्लिक करोगे आपके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से ही उस पर्सन को इमेजेस सेंड कर देगा अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप किसी बंदे को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये पैनिक मोड काफ़ी मुझे पसंद आया और ये अटैच पिक्चर्स वाला ऑप्शन तो खास कर। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ लॉक स्क्रीन सेटिंग्स को। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स को अगर हम ऑन करेंगे तो आप जो है स्मार्ट लॉक ऑन कर सकते हो, लाइक कभी भी आप डायरेक्टली अपने घर पे हो तो आपका फ़ोन हमेशा अनलॉक रहे। सिक्योर लॉक सेटिंग्स चेक कर सकते हो, सिक्योर लॉक सेटिंग्स को हम ओपन करेंगे हमारे पासकोड डाल के, तो जैसे कि आप देख सकते हो लॉक ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑफ 15 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स के बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए। आप लॉक कर सकते हो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, जिसको आप ऑन करने के बाद लाइक आप अपने किसी को फ़ोन देते हो, आपका फ़ोन रखा हुआ है, कोई और आपके फ़ोन को छेड़ता है तो आपका वो वाईफाई या डाटा ऑफ नहीं कर पाएगा, जिसकी मदद से लाइक अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है और सामने वाला ट्राई करता है कि आपको इंटरनेट से डिसेबल कर दे आपका वाईफाई या डाटा ऑफ करके, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा और आप आसानी से अपने फ़ोन को इंटरनेट के थ्रू ट्रैक कर पाओगे। और ये कुछ ऑप्शन हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं।
क्लॉक स्टाइल हम देखेंगे, आपको बहुत सारे क्लॉक स्टाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन में। साथ ही साथ फेस विजेट मिल जाता है आपको, जो आप ऑन कर सकते हो, जो आप लॉक स्क्रीन पर, आपके मेन लॉक स्क्रीन पर कौन कौन से विजेट शो हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हो आपकी स्क्रीन पर, वो हो या ना हो। तो ये से कुछ सेटिंग्स के अंदर आपको इंटरफेस जो कि आपके काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में, स्टेटस बार के बारे में, होम स्क्रीन के बारे में, लॉक सेटिंग्स के बारे में, नॉर्मल सेटिंग्स के बारे में, फ़ोन सेटिंग्स के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हो और इसका यूज़ काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आप कोई ऐसा और नया फीचर पता है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया या फिर मुझसे छूट गया हो, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।